दिमाग चाटेगी तो ये बोल दिया, मतलब तू तो कह, तू कह नहीं रहा था कि अब रात में दिमाग चाटेगी तो, ये तो तूने बोला था। अरे पैन मैं ये बोल रहा हूं कि जबरे होंगे यदि बात करूंगा तो, मैं ये बोला था तुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्टर राहुल शर्मा में। तो आ गए हैं आज एक अलग सी वीडियो लेके, कॉल प्रैंक जैसा देखो पिछले लॉकडाउन में चले थे, तो आज हम कॉल प्रैंक करने वाले हैं। और अब से मैं एक सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्या होगा कि अगर आप लोग अपने किसी दोस्त पे प्रैंक करवाना चाहते हो कॉल प्रैंक, उसको मैं खुद कॉल करूँगा, प्रैंक करूँगा, थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, वो आप इंस्टाग्राम बता देना, ठीक है। अब एक हर एक सिंगल बंदे का तो पॉसिबल ही, पर हाँ जितना ज़्यादा हो सकेगा मैक्सिमम कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं फ़ोन पर बात भी करूँगा उस बंदे से, ठीक है। तो बाकी अभी हम एक पहले टेस्टिंग के लिए एक प्रैंक करते हैं मेरे दोस्त में, जो कि काफ़ी टाइम पहले उसके एक राज, हर एक बेस्ट फ्रेंड के एक राज होते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि हमारी भाभी जियों को नहीं पता होते हैं। तो चलो ऐसे ही एक राज के साथ कॉल करते हैं, देखो मजे लो जरा कॉल के। कैलाश नाम है उसका। हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया है, तू बता? बढ़िया है। क्या कर रहा है? अच्छा, अरे यार भाई वो क्या नाम है, तेरी नेहा से कब बात हुई थी? नेहा से बात तो हुई थी, क्यों क्या हो गया भाई? अरे यार पंगा हो गया। अब मैं से क्या पंगा हो गया? उसका क्या नाम है, कॉल आई थी मेरे पास, तो नेहा का कॉल आया था मेरे पास, तो कहने लगी कि वो ही है। हाँ मेरे को कॉल करी थी उसने। कब कॉल आया था भाई? मेरे पास पहले कल रात को आ रखा था, मैंने तो उठाया नहीं, मैं सो गया था, फिर अब सुबह कॉल आई। कितने बजे? सुबह आई थी उसकी ऐसी 11:30-12 के आसपास। मैं शूट पे था, वही है कि वो कसम वसम दे के, पहले तो सबसे पहले शूट थे ही कसम देने लगी कि कुछ मानते हो तो मेरे। अरे सुन तो सही, उस दिन जब तू आया नहीं था रात को, तू कह रहा था कि नेहा को बताया नहीं, फिर उसकी रात में कॉल भी आ रही थी, तो तूने अगले दिन उससे गुस्सा वस्सा किया कुछ, तो मेरे को कसम दे के कह लगी, सच से बताओ उस दिन कैलाश आया था ना? मैंने कहा कि अब वो उसने कसम दे दी यार भाई, मेरे को बोलना पड़ा, तो मैंने कहा हाँ आया था, तो मैंने कहा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ही थे, तो कहने लगी कि तुम लोगों ने दारू वगैरह भी पी थी, तो मैंने हाँ कर दी, मैं कहाँ दारू पी थी। अब भाई यार एक बार पता कसम दी थी, मैं क्या बोलता उसे छूटते, सबसे पहले उसने यही बोला कि तुम्हें जो है कसम दम डाल ले। यार भाई अब सुन तो सही मेरी बात, अब वो कहने लगी कि उसको कह ली तुमने कैलाश को तो ये चीज़ नहीं बताई ना कि तुमने मुझे बता दिया है, मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं बताई, कह रही उसको फ़ोन भी मत करना, कह रही अब उसकी ज़िंदगी देखना कैसी नरक बनाऊंगी, या पता नहीं मेरे को उल्टा सीधा कहने लगी, कह रही तुझे भी आज के बाद मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें भी, और ऐसा मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, और आप मेरे को आज के बाद कॉल वॉल मत करना, और इसको कैलाश के तो मैं देखती हूँ, पता नहीं तो थोड़ी गुस्से में थी ज़्यादा ना। चूतिया है तू भाई, अब बता मैं क्या करूँ, एक बार बता मैं क्या करूँ। अरे मुझे थोड़ी पता था किस लिए फ़ोन आएगा ये, मुझे लगा किसी काम वाम के लिए किया होगा, मैं कल रात में कॉल किया, हो सकता है अर्जेंट काम हो कुछ। अरे मैं तो मुझे तो अपने फोन करता हूं। यार उसकी कॉल आ रही है तो मैं तुझे कैसे कॉल करता? Oh, no. मैंने पहले भी कितना हुआ है तो मुझे फोन करता था आगे ना। अब पहले यार अब मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग खराब होगा, इतने ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब चिल कर चल, इतना कोई वो बात थोड़ी है कुछ, कह रही के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सुन मेरी बात। अरे तो सुन उसको बस ये बोल दियो कि हाँ उस दिन कोई बात नहीं, वो थोड़ा नशे में था तो इस वजह से बात नहीं करी, और तूने जाके शायद अगले दिन गुस्सा किया होगा कि तूने फोन ऑफ कर दिया, तूने बोला होगा मैं घर पे सो रहा था, तुम परेशान करी थी इस वजह से तूने फिर फोन ऑफ कर दिया, अब उसको लग रहा था, वो कह रही थी कि मेरे को शक था, कह रही अब देखना, और इतना ज़्यादा वो बन रहा था मेरे पे, ऐसे दिखा रहा था कि जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी रात को फ़ोन करके, और कह रहा था कि मैंने ऑफ किया था कि भाई तू परेशान करी थी, सोने नहीं दे रही थी, और कह रही अब पता चला मेरे को वहाँ जाके तुम अय्याशियाँ करते हो वहाँ,
तो अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा भाई बता ही देता हूँ, मैं कहा इससे सही तो, क्योंकि भाई देखते रहो पता है मैं थोड़ा सा ना झूठ बोलने में पता नहीं कैसे अजीब सा लगता है मेरे को। फिर यार हरीशचंद की क्या बात है इसमें भाई, अब एक बार बता हुआ ऐसे, पता है एक तो ना ऐसे पूछ रही थी ना, थोड़ा इमोशनल कर दिया उसने। कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ नहीं कहेगी, बस एक काम ये और वो क्या नाम है तुम्हारा, कहीं कुछ सीन वीन था क्या, मतलब तू कुछ क्या बुकिंग वगैरह कुछ करा रखी थी, वो कह रही थी कुछ, पता नहीं कह रही थी कि कह रही है अब देख रहा है इसको, मैं बताती हूँ इसके लिए बुकिंग वुकिंग बड़े वो बन रहा था ना ज़्यादा, अब सब कैंसिल करा के इसके घर में फ़ोन करती हूँ बताऊँगी, और वो फिर कहने लगी कि मैं ये भी बोल दूँगी एक्स्ट्रा के इसके मम्मी को फ़ोन करके कि ये जो है अपना इनका ये लड़कीबाजी इन सब में पड़े रहते, तो ऐसा है कि मेरे अब तो लड़कीबाजी वो ही कह रही थी, तो अब वो ये मैं गुस्से में था, मतलब गुस्से में क्या मैं डर रहा था, तो मैंने हाँ मैं हाँ मिला था चला गया, कह रही इसका तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका तो हाँ लड़कियाँ भी आती होंगी फिर तो। अरे मतलब मैं कंफ्यूज था, मैं ना एक होता है ना वो जब डाटा उसने ये सब चीज़ें, तो मैं थोड़ा सदमे में चला गया, मैं पता ही नहीं चला वो क्या क्या कह रही है, मैं हाँ मैं हाँ करता चला गया। तो कोई बात नहीं बोल दियो कि हाँ एक दो लड़कियां थी वो राहुल की दोस्ती, ऐसे बोल दियो। और दारू वैसे मैंने बोल दिया था, मैं हमने इतनी दारू कुछ नहीं पी थी, हम तीन लोग थे खाली, मतलब पीने वाले खाली तीन लोग थे, मैं हमने खाली डेढ़ बोतल के आसपास पी थी, ज़्यादा नहीं पी किसी ने, मैं कहा बस कह रहा इसको तीन लोग और डेढ़ बोतल पी, हाँ तो ज़्यादा बोल नहीं थी क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बचा कौन? तो मैंने सुन मैंने ये क्लियर बोल दिया, मैंने ये बोला है मैं कहा कैलाश को ऐसा देख ऐसा सुन, मैं वो तेरे को हर बार सच बता देता है, लेकिन उस दिन हुआ क्या, क्योंकि नशे में हम लोग ज़्यादा थे, तो इस वजह से उसने फ़ोन वोन काट दिया था, तो कहने लगी अब सच सच बता दो क्या क्या कह रहा था, तो मैंने कहा देखा ओब्वियसली कोई रीज़न तो होना चाहिए फ़ोन काटने, मैंने कहा वही मैं कहा बस थोड़ा सा ऐसे कह रहा था कि वो दिमाग चाटेगी फिर इसलिए फ़ोन वोन ऑफ कर देता हूँ, तो मैंने कहा बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहा देखो तेरे को ओब्वियसली कभी ना कभी तो सच बताया गई है, तो तेरा पति ही होने वाला, मतलब तू तो तू कह नहीं रहा था कि अब रात में दिमाग चाटेगी, तो ये तो तूने बोला था। अरे पैन मैं तो चल जो भी वो तो तू समझा लियो ना उसको, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा सुन सुन हेलो, अब एक काम ये कर लियो, नेहा को बोल दियो कि मेरा जो दूसरा चैनल जो बनाया था ना मैंने एक्टर राहुल शर्मा, ये सारी बातें रिकॉर्ड होकर वहाँ डल जाएंगी, ठीक है भाई घर संभाल लियो अपना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है कैमरे पे ये चीज़, ठीक है एक्टर राहुल शर्मा चैनल पर डलेगी, अपने आप संभाल लियो। देखो सुन मेरी बात, पहली बात तो नेहा को मैंने नहीं बताया, ठीक है मैंने नहीं बताया उसको, खुद पता चला है, और उसका मेरे पास फोन आया था, तो मैंने कहा चल अब जब ये हुई चीज़ मैं बताऊंगा कैसे वो, ये ऑफ कैमरा की बात है, अभी कैमरे पर रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है बाकी मैं नहीं बताया, बाकी भाई अपनी बीवी से झूठ बोला बंद कर दे समझे, तुम्हारे दोनों के चक्कर में मैं पिसता हूँ बीच में, टाटा बाय बाय चल ध्यान रखा, अभी थोड़ी देर कॉल करो, रुक जा थोड़ी देर कॉल करो नहीं हाथ, अबे लाइव चला, गाली मत दे तमीज से बात कर ले, बता रही हूँ और सच बता दूंगा पीछे से उसको, बता रहा हूँ अबे हुई है मेरी बात, तो तुमने तरह बोल दिया था सारी चीजें, अबे उसको पहले से बता रहा हूँ अभी तेरे को, रुक जा कौन बता, अरे रुक जा कर रहा हूँ फोन, कौन बताएगा भाई, बताऊंगा तेरे को बताऊंगा, रुक जा ठीक है चल टाटा बाय बाय, बाद में मत करता हूँ चल, अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ भाई, सच होता हुआ कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ, दो मिनट दे कॉल कर रहा हूँ, ओके बाकी मैं मेरे दोस्त का कोई घर नहीं बिगाड़ रहा, उसकी खुद की गलती की वजह से उसकी वाइफ को, मतलब जो मतलब इनका रिश्ता पक्का हो चुका, शादी होने वाली थी, इस वजह से थोड़ा सा रुक गया यहाँ पे, तो उसको पता चल गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैंक कॉल कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैंक ही किया जाए, ठीक है बाकी अगर आप भी किसी का मुर्गा बनवाना चाह रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नंबर भेजो डिटेल्स के साथ, क्योंकि देखो मुझे स्टोरी पता होगी तभी मैं प्रैंक कर पाऊंगा, ठीक है, और आप लोगों से मैं बात भी करूंगा भले ही दो चार दिन के अंदर, तो ये अब रेगुलर आया करेगा मेरे चैनल पे, ठीक है, इसके लिए जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इस वीडियो को दबा के शेयर करो, और हाँ
उस बंदे का, जिस बंदे को मैं कॉल करूंगा, वो उस बंदे से बात तभी होगी जब वो मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर करके रखेगा, स्क्रीनशॉट भेजेगा उसका इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम फॉलो करके रखेगा, क्योंकि भैया देखो ऑब्वियसली फॉलोअर बढ़ाने हैं, ठीक है ना, और फेसबुक पे वीडियो आ रही है वहाँ भी फॉलो कर लेना, ये राहुल शर्मा टी एच एफ करके होगा पेज। तो बाकी ध्यान रखो अपना, घर पर रहो, सेफ रहो, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मेरा चैनल एक्टर राहुल शर्मा। बाय, जय हिंद।